नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में नशे के ओवरडोज से युवक की हुई मौत, हरकत में आई पुलिस, छापेमारी कर भारी मात्रा में बरामद किया कफ सिरप। जिले में नहीं थम रहा है कोरोना संक्रमण का रफ्तार, एक साथ मिले 40 पॉजिटिव मरीज, आंकड़ा पहुंचा 1500 के पार। कोशी नदी के जलस्तर में वृद्धि से ग्रामीण में दहशत का माहौल, कटाव के कारण पलायन करने को हो रहे हैं विवश। ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान महिला ने आत्महत्या करने का किया प्रयास, पति पर लगाया मारपीट करने का आरोप। और मायागंज अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल, पावर सप्लाई बाधित होने के कारण महिला की गई जान। अब समाचार विस्तार से। जिले में नशे का कारोबार लॉकडाउन में काफी फल फूल रहा है। पुलिस प्रशासन की लापरवाही कहें या मिलीभगत, जैसे भी हो, पर इसाकचक थाना क्षेत्र स्थित भिकनपुर गुमटी नंबर 2 सब्जी मंडी में हमेशा से नशीली पदार्थों का बाजार लगता आया है। नशा के दिन दहाड़े व्यापक स्तर पर चल रहे कारोबार का मामला तब प्रकाश में आया जब शनिवार को गुमटी नंबर 2 निवासी एक युवक की नशे की गोली खाने से मौत हो गई। मृतक की पहचान भिकनपुर गुमटी नंबर 2 सब्जी मंडी निवासी राम विलास दास के 24 वर्षीय पुत्र अजय दास के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने बताया कि अजय पिछले कुछ दिनों से बेहद नशा करने लगा था। मृतक के पिता राम विलास दास ने कहा कि उसका पुत्र कोरेक्स, नशीली गोलियां एवं स्मैक का लती था और ओवरडोज होने के कारण शनिवार दोपहर उसकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने दवेश्वर में इसाकचक थाना की मिलीभगत से नशे का कारोबार खुलेआम चलने की बात कही। लड़के की मौत के बाद मामला गरमाया और इसाकचक पुलिस को न चाहते हुए कार्रवाई करनी पड़ी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के पड़ोसी छोटू नामक युवक के घर छापेमारी कर 6 बोरा कफ सिरप बरामद किया। साथ ही पुलिस ने मौके से छोटू को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस प्रशासन की अनदेखी के कारण नशा तस्करों का इरादा बुलंद होता जा रहा है और भिकनपुर के इतने व्यस्त चौक पर प्रशासन की नाक के नीचे तरह तरह के नशे का बाजार लगता है, जो हमारे समाज के लिए, युवाओं के लिए एवं देश की भविष्य के लिए घातक है। हमारा बेटा 6-7 दिन से कोरेक्स टैबलेट स्मैक सब पीता था, पी के पागल हो गया था। उसके बाद क्या खाता भी नहीं था, बोलते खाना खा लो बेटा, खाना खा लो, नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। यही चौक पे जाता था भिकनपुर 2 नंबर गुमटी पे, सब चीज़ बिकता है, मगर कोई कुछ नहीं बोलता है। हम पब्लिक को जमा के उसके पास दरखास्त भी लिखा है, मगर कोई नहीं सुनता है। इसीलिए मेरा बेटा आज गुन वो नशाओं के चलते वो मरा है। संपूर्ण राज्य में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमण के दर में कमी नहीं आई है। शहर में भले ही नए कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आई हो, पर पूरे राज्य में कोरोना संक्रमण का वही रफ्तार है। बता दें कि कोरोना मरीजों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के कारण 16 जुलाई से 31 जुलाई तक राज्य सरकार के निर्देश पर पूरे बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना वायरस पर हमारी पकड़ ढीली हो गई है, परिणाम स्वरूप राज्य में लगातार कोरोना मरीजों का विस्फोट हो रहा है। शनिवार को मिली ताजा अपडेट के अनुसार जिले में 40 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि पड़ोसी जिला बांका एवं मुंगेर से 9 एवं पूर्णिया से 4 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना से हमेशा की तरह राज्य में सर्वाधिक 137 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। बता दें कि पूरे राज्य में शनिवार को 739 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। लॉकडाउन के बावजूद तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए सिरदर्द बना हुआ है। बिहार का शोक कहे जाने वाले कोशी नदी अपने उफान पर है। नवगछिया के बिहपुर स्थित गोविंदपुर गांव में कोशी नदी का रौद्र रूप देखने मिल रहा है। जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण गांव में कटाव काफी तेज हो गया है। गोविंदपुर मध्य विद्यालय का पुराना स्कूल कुछ दिन पहले ही कटाव की भेंट चढ़ नदी में समाहित हो चुका है। वहीं अब ग्रामीण अपना घर द्वार छोड़कर ऊंचे स्थलों पर शरण लेने के लिए पलायन कर चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा कटाव रोकने के लिए यहां पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वर्ष 2019 से ही गांव कट रहा है, जिसकी सूचना जिला प्रशासन और सरकार को भी है। ग्रामीणों ने कहा कि कई बार अधिकारियों ने कटाव रोकने के लिए पहल करने की बात कही, लेकिन धरातल पर अब तक कुछ नहीं हुआ, जिसके कारण गांव धीरे धीरे कटाव की भेंट चढ़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अभी वो शरण लेने सड़क किनारे चले जाएंगे, लेकिन वहां से भी भगा दिए गए तो फिर कहां जाएंगे। सरकार को इसके लिए ठोस व्यवस्था करनी चाहिए। एक सवाल जो सभी के मन में खटकती है वो यह है कि क्या हमारे समाज में नारी के प्रति बनी सोच में कभी बदलाव आएगा।
आज महिलाएं न केवल परिवार को संभाल रही है बल्कि परिवार का आर्थिक रूप से भी सहयोग कर रही है। समाज के निर्माण में बराबर योगदान देने वाली नारी के साथ असुरक्षा की भावना हर जगह होती है। दुख की बात तो यह है कि उस समाज में जहां हम देवी दुर्गा, देवी सरस्वती, देवी काली जैसी महाशक्ति की पूजा करते हैं, वहां महिला अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला भागलपुर इशाकचक थाना क्षेत्र के बिटोला की है, जहां अपने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया और अपने जीवन को समाप्त करने रेलवे ट्रैक पर बैठकर रेल का इंतजार करने लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की नजर महिला पर पड़ी और सभी ने महिला को समझा बुझाकर रेलवे पटरी से नीचे उतारा। महिला की पहचान बिटोला निवासी चंदन रजक की पत्नी रिंकू कुमारी के रूप में हुई है। मामले को लेकर महिला ने बताया कि सास ससुर एवं उसके पति छोटी छोटी बातों को लेकर उसके साथ मारपीट करते हैं। पिछले 7 वर्षों से लगातार वह अपने ससुराल वालों का अत्याचार झेल रही है। महिला ने कहा कि पति घर के खर्चे के लिए पैसे भी नहीं देते हैं। तमाम पारिवारिक समस्या को लेकर महिला ने आत्महत्या करने का फैसला लिया। कोई भी बात हुआ छोटा मोटा कोई भी बात कटी हम बच्चा को भी मारते हैं ना, तो सब मिल के हमको मारता है। दो गो, एक बेटा एक बेटी है। जबकि हम मॉल में ही झगड़ा के कारण हम मॉल जाते थे काम करने के लिए, एक महीना वेतन उठा के, और मेरा दूल्हा पैसा लेता है और टोटो में जमा करता है, एक गाड़ी लिया उसमें जमा करता, और मेरा सास और मेरा ससुर सब सबको छोटका को छोटकी देवर को है ना सब चीज ला के देता है और खिलाता है और मारपीट करता है मेरे साथ। कोई भी बात बोलते तो हमको मारपीट करता है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में बिजली कटने और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रहने से वेंटिलेटर पर रहे मरीज की मौत ने बिहार की सियासत को काफी गर्मा दिया है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने ट्वीट कर नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। लालू यादव ने ट्वीट कर कहा कि बिहार के बड़े अस्पताल में बिजली गुल, जनरेटर बंद, वेंटिलेटर में लगी बैटरी भी फुश और फिर ऑक्सीजन नहीं मिलने से मरीज की मौत। आगे लालू ने लिखा कि सीएम 4 महीने से घर में सो रहे हैं, घर में ही अस्पताल बनवा लिया है, लोगों से संवाद नहीं, भाव भाव के लिए नियोजन पर 2-4 रख लिए हैं, बस हो गया। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के गायनी आईसीयू में भर्ती एक महिला की मौत शुक्रवार की रात हो गई। महिला की सांसें वेंटिलेटर के सहारे चल रही थी, इसी दौरान बिजली गुल हो गई और जनरेटर ने भी काम करना बंद कर दिया। हद तो तब हो गई जब वेंटिलेटर में लगी बैटरी ने भी ऐन वक्त पर धोखा दे दिया। परिणाम यह हुआ कि मरीज को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया और उसकी मौत हो गई। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे, डॉक्टर शशिकर एमडी, रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन,
अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा, डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच, डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG, अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था, लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नवगछिया रंगरा थाना क्षेत्र के रंगरा तिनटंगा पथ पर सड़क हादसे में डुमरिया निवासी पत्रकार चंद्रशेखर सुमन की पत्नी अंजनी देवी की मौत हो गई, जबकि पुत्र गुड्डू कुमार घायल हो गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शुक्रवार को अंजनी देवी अपने पुत्र गुड्डू के साथ बाइक से कटिहार के साजगंज स्थित मायके से ससुराल लौट रही थी, तभी रंगरा गांव के पास एक बच्चा अचानक सड़क पर आ गया, जिसको बचाने के क्रम में मोटरसाइकिल असंतुलित होकर पलट गई, जिसमें अंजनी देवी के शर में गंभीर चोटें आई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही रंगरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद से ही पत्रकार का पूरा परिवार गहरे सदमे में है। मामले को लेकर नवगछिया अनुमंडल पत्रकार संघ ने हादसे को काफी दुखद बताया है। वहीं कई पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने घटना पर शोक संवेदना व्यक्त किया और पीड़ित पत्रकार के आवास पर पहुंचकर संतावना दी है। उसका सर बेटा था आशीष झा, वो दोनों मिलकर नवगछिया बाइक से आ रहा था। नवगछिया रेलवे ढाला के पास में एक अनजान ट्रक गिट्टी बोझा हुआ, वो धक्का मारकर सीरियस कर दिया। सीरियस के बाद प्रशासन उसको उठाकर नगोचिया हॉस्पिटल में सदर अस्पताल में आगे लाकर 2 घंटा खड़ा कर दिया और प्रशासन अपना थाना चला गया। और स्वास्थ्य विभाग जो है उसमें खून से लथपथ के कारण भिड़ने से लापरवाही किया और लापरवाही चलते उसका मौत हुआ हॉस्पिटल में। जिले में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। आए दिन संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। शुक्रवार को भागलपुर परमंडलीय आयुक्त समेत कई पदाधिकारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इलाके में काफी भय का माहौल बन गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी इस महामारी को सक्रियता से ले रहा है। संक्रमण के बचाव के लिए इलाके के विभिन्न क्षेत्रों को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं शनिवार को भागलपुर मेडिकल कॉलेज में अग्निशमन की टीम के द्वारा पूरे कॉलेज परिसर को सैनिटाइज कराया गया। गौरतलब हो कि शहर के विभिन्न इलाकों से लोग पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज आते हैं, ऐसे में कैंपस के हॉटस्पॉट बनने का खतरा बढ़ जाता है। मुंगेर के संग्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दीदारगंज पंचायत के पृथ्वीचक गांव में शनिवार को 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। घटना में दोनों पक्षों के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए संग्रामपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि घर में बकरी घुस जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। वहीं मारपीट की घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संग्रामपुर थाना अध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि सरिता देवी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अब साफ जीव जो ठीक चले पैदा है अब पड़ा पड़ दिया लग गया। कौन मारा? साफ जीव आशुतोष है, आशुतोष यादव था, नंदू है, नंदू यादव अपनी उसका पत्नी रेणु देवी। नवगछिया के बाबा विशु राउत सेतु पर गिट्टी लदे ट्रक के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान मधेपुरा जिला के बिहारीगंज पकीलपरा गांव निवासी खगेश मिश्र के 35 वर्षीय पुत्र शैलेश मिश्र के रूप में हुई है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को मृतक शैलेश अपने रिश्तेदार आशीष के साथ मोटरसाइकिल से भागलपुर से मधेपुरा अपने गाँव जा रहा था। इसी दौरान बाबा विशु राउत सेतु पर एक अनियंत्रित गिट्टी लदे ट्रक ने पीछे से मोटरसाइकिल में जबरदस्त ठोकर मार दिया। घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान शैलेश की मौत हो गई। एक तरफ जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो दूसरी तरफ यहाँ की पुलिस और जनता सफाई कर्मचारियों की पिटाई कर रही है। ताजा मामला भागलपुर नगर निगम के जोन 2 में काम करने वाले दैनिक सफाई कर्मचारी ललन कुमार दास से जुड़ा है।
ललन कुमार ने बताया कि शुक्रवार की रात वह अपनी ड्यूटी कर गोपालपुर हवाई अड्डा स्थित अपने घर जा रहा था। तभी हवाई अड्डा के समीप तिलकामांझी थाना की पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ करने लगी। इसके बाद सफाई कर्मी ने निगम कार्यालय से निर्गत परिचय पत्र पुलिस को दिखाया और कहा कि वह रात्रि पाली का काम समाप्त कर घर जा रहा है। लेकिन इस बीच पुलिस कर्मियों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इसकी सूचना शनिवार को जैसे ही नगर निगम दैनिक सफाई कर्मचारी संघ को मिली, वैसे ही संघ से जुड़े कर्मचारियों ने ततारपुर गोदाम में जाकर सफाई कार्य ठप करने की मांग करने लगे। इसके बाद दैनिक सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष लड्डू हरी और युवा शक्ति के जिला महासचिव गौरव चौबे ने नगर निगम प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दैनिक सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष लड्डू हरी ने कहा कि पीड़ित कर्मी को अगर 24 घंटे के भीतर न्याय नहीं मिला तो सोमवार से सफाई कार्य ठप कर दिया जाएगा। जबकि युवा शक्ति के जिला महासचिव गौरव चौबे ने नगर निगम के जोनल प्रभारियों पर मामले की लीपापोती करने का आरोप लगाया। वहीं पूरे मामले को लेकर जब उपनगर आयुक्त सत्येंद्र प्रसाद वर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त जयप्रियदर्शनी ने पुलिस द्वारा सफाई कर्मचारी की पिटाई की जानकारी डीआईजी सुजीत कुमार और एसएसपी आशीष भारती को दी है। उपनगर आयुक्त ने कहा कि फिलहाल सफाई कर्मियों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया गया है और हम लोग पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों वार्ड संख्या 6 में भी कुछ लोगों ने घर का कूड़ा उठाने को लेकर सफाई कर्मियों से हाथापाई की थी, जिसके बाद पार्षद एवं स्थानीय लोगों के सहयोग से मामला शांत कराया गया था। गाड़ी से काम करके गए हैं, गाड़ी सेकंड पारी में काम करके रात हो गया, 8:30 बज गया। मैं घर जा रहा था हवाई अड्डा से, बस उनको पुलिस ने रोका। मैं बोला कि सर हम स्टाफ है नगर निगम का, मेरा कार्ड देख लीजिए। कार्ड देखने के बाद वो गलत बोलते क्या कार्ड क्या चीज़ है, गलम गाली करने लगा पूरा। माँ इसके बाद बोलते डंडा चला दिया, डंडा मारते मारते हम गिर गए, तब छोड़ा। जब तक नहीं गिरे छोड़ा नहीं, पूरा मारपीट किया रही सर। इसके बाद जैसे तो रसीद रसी आदमी आ रहा था उधर से, बोल लिया हॉस्पिटल भर्ती कराया पूरे कल में। इसके बाद इसलिए सफाई कर्मचारी को यहाँ जो है सबको आक्रोशित है, अक्रोध है कि अगर इस तरीके से अगर करते रहेगा तो हम लोग कोरोना योद्धा बन के एक तो महामारी को में जुड़े हुए हैं सफाई काम के लिए, और उसके बावजूद वो आए दिन ही लोग के साथ में मारपीट होता है। अगर इसी तरीके से मारपीट होते रहा, अगर इसका एक्शन अगर निगम प्रशासन या यहाँ का जिला प्रशासन नहीं लेंगे तो हम लोग तमाम सफाई कर्मचारी को काम बंद कर देंगे। ये अपना सबूत के तौर पर कार्ड दिखाया, पुलिस वाले पूरी तरीके से पिए हुए थे और इसको इतनी बुरी तरीके से मारे, मारने के बाद ये अधमरा हुआ। वहाँ से स्थानीय लोग इसको उठाकर घर की तरफ ले गए, ले जाने के बाद सुबह में वहीं के लोग इसको उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद ये यहाँ जब आया मदद मांगने के लिए कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ मेरी मदद कीजिए जिससे कि हम आगे का काम करेंगे, तो यहाँ के लोग इसको ये प्रशासन ये देते हैं कि तुम्हारे बारे में हम जाते हैं FIR करेंगे। अंदर में सारे के सारे जोनल बैठे हुए हैं और ये चीज़ को देख कर मजा ले रहे हैं। पीरपैंती प्रखंड के टपुआ गाँव में बना तटबंध कार्य गंगा की तेज बहाव के सामने ढहने लगा है। शुक्रवार शाम तेज कटाव होने से तटबंध कार्य का 25 फीट हिस्सा गंगा में समाहित हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों को बाढ़ का भय सताने लगा। शुक्रवार की शाम अचानक पीरपैंती प्रखंड के टपुआ गांव में बने तटबंध के दोनों छोर से लगभग 30 फुट कटाव होकर गंगा की भेंट चढ़ गया। जब तक ग्रामीण जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को खबर करते तब तक अंधेरा हो चुका था, जिसके बाद शनिवार की सुबह विभाग की ओर से तटबंध की मरम्मत के नाम पर बालू भरा बोरा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर तटबंध के किनारे स्वर्गीय मनसर मंडल, रामवचन यादव, इंद्रदेव मंडल, महादेव यादव, निर्मल शाह का घर कभी भी गंगा में समाहित हो सकता है। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में नशे के ओवरडोज से युवक की हुई मौत, हरकत में आई पुलिस, छापेमारी कर भारी मात्रा में बरामद किया कफ सिरप। जिले में नहीं थम रहा है कोरोना संक्रमण का रफ्तार, एक साथ मिले 40 पॉजिटिव मरीज, आंकड़ा पहुंचा 1500 के पार। कोशी नदी के जलस्तर में वृद्धि से ग्रामीण में दहशत का माहौल, कटाव के कारण पलायन करने को हो रहे हैं विवश। ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान महिला ने आत्महत्या करने का किया प्रयास, पति पर लगाया मारपीट करने का आरोप। और मायागंज अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल, पावर सप्लाई बाधित होने के कारण महिला की गई जान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।